C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी कल देखिए सारी शक्तियाँ उसके बालों में मीरा के साथ क्या होने वाला है। क्या मीरा अपने आप को इस मुसीबत से निकाल पाएगी और मैं इन बालों से मीरा को नचाऊंगी। एक सेकेंड क्या टोटका किया है तुलिका ने? क्या है सिद्ध फल का राज? क्या मीरा उसे झेल पाएगी या तुलिका की जादू शक्तियां जीत जाएंगी? जानने के लिए कल देखिए। मीरा कल देखिए मीरा अपने आप को तुलिका से कैसे बचाएगी? क्या विवान मीरा की मदद कर पाएगा? ये रही मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी। आज रात से तेरा खेल खत्म मीरा कपूर। कल देखिए क्या तुलिका की सच्चाई मीरा के सामने आएगी या उससे पहले मीरा और विवान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मुझे खाना खिलाती और मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन की जान ले ली। क्या होने वाला है मीरा के साथ? क्या वो अपने आप को बचा पाएगी? मुझे तो उस कुड़ी पे पहले से ही शक था। किसी बाहर वाले पे इतने जल्दी से विश्वास करना बेवकूफी कहलाता है। मैं उसे पकड़ कर रहूंगी। आखिर तुलिका ने मीरा के साथ क्या किया? क्या तुलिका मीरा को मारकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? और वही खीर उस लड़की को खिला दो। अगर वो खीर खा के उस लड़की ने उल्टी कर दी तो समझ लेना वही डायन है। क्या विवान अपने आप को मीरा से बचा पाएगा? सच जानने के बाद क्या करेगी मीरा? ये जानने के लिए कल देखिए कल ही रें। फिवान मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान ले लूंगी तेरी। तुलिका के बिछाए जाल से मीरा बचेगी या नहीं? क्या विवान उसकी मदद कर पाएगा? जानने के लिए कल देखिए कल ही रें। क्या तुलिका अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या विवान और मीरा का साथ यहीं खत्म हो जाएगा? मीरा क्या मीरा अपने हाथों विवान को मार देगी? क्या विवान मीरा को तुलिका से बचा पाएगा? मैं एक आमंत्रित डायन हूँ। आज रात को तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी और फिर तुम और मीरा हमेशा के लिए अलग। आगे बढ़ो मीरा। आखिर तुलिका अब क्या नई चाल चलने वाली है? क्या मीरा अपने आप को बचा पाएगी? ये आपके तो कट गया। एक बार मेरा खून तेरे अंदर गया ना, उसके बाद देख मैं तेरा और विवान का क्या हाल करती हूँ। कल देखिए करवा चौथ के दिन तुलिका ने विवान को बनाया निशाना। अब मीरा कैसे विवान को बचाएगी? विवान, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी करवा चौथ होगा। क्या विवान तुलिका की शादी रोक पाएगा या तुलिका फिर कोई नई चाल चलेगी? बस जीजू, मैं तुलिका के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। चल, तुझे इतना ही विश्वास है ना, तो एक आखिरी टेस्ट कर ले। नहीं तुलिका, अगर तुम इंसान तो तुम्हें मंदिर में जाके जोत जलानी होगी। अच्छा लग रहा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद, तो तुम्हें अंधेरा एकदम से कैसे अच्छा लग रहा? कभी कभी ना अंधेरा बहुत सुकून देता। जिंदगी भर के लिए यही कैद कर रही हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? हम जिंदगी में ऐसा होता है ना, कभी कभी सुख का पगड़ा भारी होता है तो कभी दुख का,
मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर क्या? पर भगवान, अगर आगे चल के हालात सही नहीं हुए या कुछ भी गलत होता है, हम दोनों अलग हो जाते हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना जिसमें हम दोनों के लिए भलाई हो, हम दोनों का अच्छा। मीरा, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तेरे कॉल तुम्हारी बात सुन ली। पंडित जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी कि जो फेरे है ना, उस पूरे विधि विधान से ही कीजिएगा, ताकि जो कुछ भी है वो शुद्ध तरीके से पूरा हो जाए। मुझे ना थोड़ा वहम है। क्या जी? कि कुड़ी ना, कुड़ी में कुछ कमी है, मुझे लगता है कि वो डायन है। ओ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे शुभ दिन पे ऐसी अपशगुनी बातें, सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। तुमने फिर से वही बातें करनी शुरू कर दी। पंडित जी, आप अपना काम अपने तरीके से कीजिए, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। लीजिए पंडित जी। ये लीजिए गंगाजल, इसे पूरे घर में छिड़क दीजिए, अगर कोई भी बुरी शक्ति होगी तो स्वाहा हो जाएगी। मम्मी, ये गंगाजल मैं छिड़क देती हूँ, आप यहाँ आराम करो, आप ये यहाँ के काम निपटा लो। क्या तुलिका का सच मीरा और विवान के सामने आ जाएगा, या फिर तुलिका कोई और चाल चलेगी? फिर ले आया है वक्त खुशकी को बदनाम गलियों में, जहां से शुरू हुई थी उसकी और शांतनु की दोस्ती की दास्तां। कौन सा नया मोड़ लेगी ये दोस्ती, या फिर बदल जाएंगे खुशकी और शांतनु के रिश्ते? इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत, जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। ए नहीं लड़की, चल इधर। सोच समझ कर बोली लगाना भाई लोग, ऐसा माल बाजार में रोज रोज नहीं आता। कल्याणी का मैसेज, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। 5,20,000। 5,20,000 एक, 5,20,000 तीन, माल आपका हुआ साहब। तुम ना गलती करती हो, लेकिन मानती नहीं हो कि तुमने गलती की। मेरी गलती कैसे? तुम्हारी गलती थी। क्या जरूरत है इतनी खूबसूरत लगने, और ये जो तुमने प्यारा सा लहंगा, क्या जरूरत है इस लहंगे का, और ये लंबे लंबे बाली मैचिंग नेकलेस, ये बालों पे गजरा, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा ना। मेरा दिमाग भटक गया, नीचे देखने के बाद ऊपर देख रहा था, मैं फिसलते फिसलते मतलब बच गया। तो गलती किसकी हुई? तुम्हारी, समझी? ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मतलब क्या, तू मजाक कर रहा है? शायद मैं भी कुछ गलत सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मुझे लगता है कि तू और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने। तुम्हें क्या समझ में आएगा कि मैं तुम्हें देखने के लिए कितनी देर से इंतजार कर रहा था, कितना डेस्परेट था तुम्हें देखने के लिए। पार्टी में इतने लोग हैं, लेकिन मन कर रहा था कि तुम्हें देखूं, और तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूं। ये वो जहर था ना जो उस रात तुम हमें पिलाने वाली थी। ये जहर वाला ग्लास लो और अपने हाथों से हमें पिला दो, क्योंकि कयामत और उसके बाद वाली जिंदगी तक हम सिर्फ पूरे के पूरे तुम्हारे होंगे। पूरी करो तुम्हारी हर ख्वाहिश रुखसार, मारो हमें। चाहते थे अपनी बेवफा पत्नी को। तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में जाना पड़ेगा। साहिल, विदिका जी,